अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं इलहान और मिलहान के लिए बना रही हूँ चॉकलेट बनाना ब्रेड। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एज़ यू नो कि वैसे ही हमारे बच्चों को चॉकलेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ चॉकलेट ही बच्चों को बना के दिया जाए। ये रेसिपी 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए यानी टोडलर्स के लिए है, तो इन्फेंट्स के लिए इसे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐसे हैं जो कि 1 ईयर प्लस बेबीज़ को ही दे सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको टेबल स्पून से बताऊंगी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है बटर, 4 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है आटा, तकरीबन 1/4 टीस्पून यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, बिल्कुल 1 चुटकी नमक लिया है, और ये तकरीबन 4 से 5 इलायची के दानों को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। और इसके अलावा मैंने एक यहाँ पर अंडा लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, आप 1.5 टेबल स्पून ले लीजिएगा। इसके अलावा मैंने शक्कर ली है 1 टेबल स्पून, वनीला एसेंस के चंद कतरे लिए हैं, और 2 केले लिए हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर मैंने मोल्ड भी पहले से ही ग्रीस करके रख दिया है। सिंपल मैंने घी स्प्रेड किया है इस पे और थोड़ा सा आटा छिड़क दिया है, क्योंकि बैटर बनने के बाद बैटर को ज्यादा रेस्ट नहीं दिया जाता है, फौरन से ही बेक करने के लिए रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 केले मैश कर लिए हैं, 1 अंडा ऐड कर दिया है इसमें, और जो मक्खन 2 टेबल स्पून मैंने लिए थे वो ऐड कर दिया, और 1/2 ढक्कन मैंने इसके अंदर ऐड किया है वनीला एसेंस का, 1 टेबल स्पून यहाँ पर शक्कर आ जाती है, ये मैंने डार्क वाली शक्कर ली है, आप वो लाइट कलर की जो आती है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे वो भी मैंने ले लिए हैं, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन कर दिए थे। इस पॉइंट पे आपने सिर्फ और सिर्फ फोल्ड करना है, बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद मैंने बैटर को ट्रांसफर कर दिया मोल्ड में और अच्छी तरह से 3 से 4 मरतबा टैप टैप कर लिया, ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएं। और ये बड़ा सा पतीला मैंने पहले ही हीट करने रख दिया था, यानी सारे प्रोसीजर से पहले मैंने पतीला रख दिया था चूल्हे पर। इस सारे टाइम पीरियड में पतीला अच्छी तरह से हीट अप हो चुका था, अंदर बहुत अच्छे से सारी जो है वो गर्माइश हो गई थी। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से मोल्ड रख दिया और तकरीबन 45 मिनट्स में ये रेडी हो गया था। बीच में मैंने 2-3 मरतबा चेक कर लिया था टूथपिक से, टूथपिक अगर आपकी बिल्कुल क्लियर आती है इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। बीच में से लाजमी चेक करिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सी ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इलहान और मिलहान दोनों को ही बाहर के बिस्किट्स या केक्स वगैरह नहीं देती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि घर में ही ऐसी चीज़ बना लूँ जो हाइजेनिक भी हो। और वीडियो देख कर लाजमी माशाल्लाह कह दिया करें, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि आपके बच्चे खा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो माँ की एफर्ट होती है, वो कोई भी नहीं देखता ऑब्वियसली। तो खैर, इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।